हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटेक्निक का। पॉलिटेक्निक में हम लोग पढ़ रहे थे मैथ। मैथ में क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा और पहले वाला वीडियो भी आप लोग देखिए। पहले वाला वीडियो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, अभी हम आप लोगों को क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन मतलब कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो करवा दे रहे हैं आप लोग को। उससे आइडिया क्या हो जाएगा ना कि हमको क्या पढ़ना है, किस बेसिस पे यानी किस टाइप पे हमको पढ़ना है आगे, वो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो पहले वाला भी वीडियो देखिए, उससे भी पता चलेगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तभी ना ऐसे ही थोड़ी ना कि कुछ भी पढ़ने शुरू कर दें। कुछ भी पढ़ने से क्या फायदा, जो मेरे को जरूरी है वही ना पढ़ेंगे। कुछ भी पढ़ते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए एक आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को क्या क्या पूछता है। देखिए, आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके संगत लंबों की मापों का अनुपात होगा। देखिए, बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज हैं, उस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो एक चीज याद रखिएगा, समरूप त्रिभुज मतलब दोनों एक दूसरे का क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं और दोनों का एरिया मतलब दोनों सिमिलर ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकेंड, उसका जो एरिया होता है वो उस त्रिभुज के यानी उस ट्रायंगल के जो साइड होता है ना, भुजा होता है, उस भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। ये ध्यान रखना है इसमें, यानी तीन भुजा है, तीनों भुजा का स्क्वायर होगा। प्लस में अगर मान लेते इसका कुछ एल्टीट्यूड यानी इसका कुछ हाइट हो, दोनों त्रिभुज का हाइट हो, तो उसका भी स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग को क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ फर्स्ट त्रिभुज यानी एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल दिया हुआ है 16 बटा एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल दिया हुआ है कितना, 25। और इसका बोल रहा है ना कि दोनों के हाइट यानी दोनों के लंबाई यानी संगत लंबों की मापों का अनुपात यानी H1 बटा H2 ले लेते हैं। H1 बटा H2 की दोनों का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। और यहां से अगर हम लोग को H1 बटा H2 निकालना हो तो क्या होगा, ये स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट में आ जाएगा, मतलब अंडर रूट 16/25 बराबर क्या होगा, 4/5। तो ऑप्शन 4/5 यानी अगर हम लोग को रेशियो में लिखना हो तो H1:H2 बराबर क्या होगा, 4:5। ऑप्शन सी आप लोगों को बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन आता है, जो ये मेन प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी बताएंगे आप लोगों को, ये प्रॉपर्टी इसी प्रॉपर्टी से उठा के पूछ देता है। और जब तक ये प्रॉपर्टी क्या, ट्रायंगल का क्या होता है, ट्रायंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, रेम्बस का क्या होता है, ये सब जब तक मालूम नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो फिगर दिया हुआ है। बोला क्या है कि इसमें AC पैरेलल MN है और BN बराबर 5 सेंटीमीटर और NC बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को BM:AN का वैल्यू निकालना है। इस टाइप का फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा, फिगर बनाते हैं हम भी। इस टाइप का फिगर ऐसे दिख रहा होगा, जो ये पैरेलल है, यहाँ है ए है, यहाँ है बी है, यहाँ है सी और यहाँ है एम और एन। और दिया हुआ है क्या, CN बराबर दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर और NB ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हम लोग को पूछ रहा है कि BM:AM या MA। और यहाँ देखिए दिया हुआ है क्या कि AC पैरेलल MN है, यानी ये AC है पैरेलल MN। तो यहाँ देखिए दो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, एक ये ट्रायंगल है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का सिमिलर है और सिमिलर है प्लस में ये दोनों मतलब पैरेलल है, इसका मतलब सिमिलर है। ये प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रॉपर्टी का ही गुण है। तो इसमें जब पैरेलल है और सिमिलरिटी के गुण हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ हम लोग को क्या होगा कि जो दोनों त्रिभुज का साइड होगा उस त्रिभुज का साइड का प्रोपोर्शनल होगा, मतलब साइड का अनुपात होगा। तो साइड कौन कौन सा है, BN एक त्रिभुज में आते हैं, MBN त्रिभुज और एक ABC त्रिभुज में आते हैं। तो यहां से हम लोग इसको क्या लिखेंगे, BN/NC लिख देते हैं, BN/NC बराबर BM/AM
यानी ये प्रोपोर्शनल ये बटा ये। तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, बी एन, बी एन कितना है 5 बटा एन सी, एन सी कितना है 2.5 बराबर बी एम, बी एम कितना है वही तो हम लोग पूछ रहा है, बी एम बटा ए एम लिख देते हैं, बी एम बटा ए एम। ये पॉइंट हटा के जीरो बैठाते हैं, ऊपर 50 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो हम लोग को क्या मिलेगा, बी एम रेशियो ए एम बराबर 2:1, 2:1 मतलब कि हम लोग को कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। अब देखिए, अब थर्ड थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को, बोल रहा है ना कि एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, मतलब ये अंश और हर का खेला है, तो ऊपर लिखते हैं अंश और नीचे लिख देते हैं हर, अब आगे लिखते हैं ऐसे पता चलते रहेगा। एक बोल रहा है कि एक भिन्न का हर हर अंश से 5 अधिक है, यानी अगर हम लोग अंश x माने तो हर क्या होगा, x प्लस 5। बोल रहा है हर अंश से 5 अधिक है, यानी x अगर हम लोग अंश को x माने तो हर क्या होगा, x प्लस 5 होगा। और आगे क्या बोल रहा है, यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए, यानी ये एक कुछ फ्रैक्शन बनेगा, देखिए ये एक फ्रैक्शन बन रहा है, यही फ्रैक्शन हम लोग आएगा, अगर इसमें हम लोग को अंश में 7 जोड़ देते हैं, यानी अंश ऊपर वाला इसमें 7 जोड़ देते हैं, तो हम लोग को फ्रैक्शन क्या मिलता है, 8/7। तो इसका जो मूल भिन्न है, मूल भिन्न कहने का मतलब क्या कि जो हम लोग को एक्स बटा एक्स प्लस 5 यही तो मूल भिन्न था, तो ये वाला हम लोग का वैल्यू क्या होगा वो निकाल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकाल दे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 7x + 49 बराबर 8x + 40। अब यहां से 49 - 40 बराबर 8x - 7x, तो यहाँ 9 और यहाँ क्या बचेगा x, देखिए x बराबर 9 मिला। और बोल रहा है कि मूल भिन्न निकालने के लिए, तो मूल भिन्न क्या था कि जो हर था हर अंश से 5 ज्यादा था, तो यानी अगर हम लोग को x बराबर 9 मिला तो अंश अगर 9 होगा तो हर क्या होगा 9 × 5 = 14, ये होगा। आप लोग अगर x बराबर सीधे इसमें पुट करके x बराबर 9 + 7 + 5 कीजिएगा तो फिर ये वाला आ जाएगा, लेकिन वो नहीं पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा है मूल भिन्न क्या होगा, तो मूल भिन्न क्या बोला था कि जो हर है वो अंश से 5 अधिक है, तो हर यानी जो 14 है वो अंश से, देखिए यानी अंश कितना है 9, उससे 5 अधिक है, 9 × 5 = 14, ये 13। अब आते हैं 4 में, 4 आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा स्क्रीन पे फिगर, तो और ये थोड़ा इसमें इमेज है, इमेज देखिए किस टाइप का है, ये है सर्कल है, इसमें ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप लोग पढ़े होंगे, चक्रीय चतुर्भुज इस टाइप का है, यहाँ है कुछ एक्स है और यहाँ बोल रहा है कि 100 है और बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू निकालें, ए है बी है सी है डी है और इधर कहीं ई है, तो इसमें x का वैल्यू कैसे निकलेगा वो देखिए, ये 100 है, क्वाड्रिलेटरल में क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि आमने सामने का भुजा कितना होना चाहिए 180 डिग्री, यानी ये 100 है तो ये क्या होगा 80 होगा, और यहाँ रैखिक युग्म बन रहा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का, यानी ये 100 तो ये वाला क्या हो जाएगा 180, यानी इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि अगर कोई एक्सटर्नल यानी बाहरी कोण पूछे और इंटरनल एंगल आंतरिक कोण दिया हुआ है तो उसके बराबर हो जाएगा, तो x बराबर यहां से क्या मिल जाएगा सीधे 100, तो x बराबर 100 डिग्री, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ए। अगला देखिए, अगला क्या बोलता है, अगला भी फिगर वाला है, और ध्यान रखिएगा सर्कल से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा फिगर वाला, इसके बाद फिर सर्कल के बाद फिर और त्रिभुज से ट्रायंगल से कोई ना कोई एक एंगल निकालने के लिए जरूर देगा, और फिगर वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो इस टाइप का दे देगा या बोल देगा जो बाहर से आता है दो एक पॉइंट से आके कहीं दोनों पे स्पर्श करता है तो बोल देगा कि एंगल निकाले या उसका साइड निकाले, ये से कुछ पूछ देता है, और एक ट्रायंगल है इस टाइप का, ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना 120 डिग्री, और ये है एक्स है और ये है 40 डिग्री, तो ये इसको कैसे निकालेगा, इसमें देखिए ये जो एक्सटर्नल एंगल है वो दोनों इंटरनल एंगल के सम
के बराबर होता है। तो दोनों इंटरनल एंगल कितना था, एक दोनों का सम यानी x प्लस 40 बराबर एक्सटर्नल एंगल कितना है 120 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर 120 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर 8 × 4 = 12 यानी 80 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 80 डिग्री। तो इसका x बराबर ऑप्शन इसमें छूट गया, x बराबर क्या होगा 80 डिग्री। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्या होगा, अगला क्या बोलता है सो देखिए, बोल रहा है 100 से 1000 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग निकालने, यानी इसमें 100 को भी इंक्लूड करना है और 1000 को भी इंक्लूड करना है, ये चीज इसमें ध्यान रखिएगा। क्या 100 को भी इंक्लूड करना है, यानी 100 को भी लेना है और 1000 को भी लेना है, तो ये कैसे होगा सो देखिए, तो हम लोग को कहां से कहां तक बोल रहा है 100 से 1000 तक, और 5 से कहां होना चाहिए विभाज्य होना चाहिए, उस सब विभाज्य उस सब का एड यानी सबका समेशन पूछ रहा है कि सबका योग कितना होगा। तो सबसे पहले निकालना होगा कि 100 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है यानी एन जो 5 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए। तो सबसे शुरू 100 तो विभाजित होगा, ठीक है, लास्ट वाला भी विभाजित होगा 1000 भी, इसके बाद 105 110 ऐसे विभाजित होगा, यानी डी बराबर क्या हम लोग को निकलेगा 5, ए बराबर क्या निकला 100, ये लास्ट संख्या है, ए एन बराबर कितना निकला 1000। तो हम लोग एन निकालना होगा कि टोटल कितना विभाजित हो रहा है, तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन कितना है 1000 बराबर ए है 100 प्लस यहाँ एन माइनस वन इंटू डी कितना था 5, कॉमन डिफरेंस 5, 5 से विभाजित होना चाहिए, 1000 में से 100 इधर आएगा तो 900/5 यहाँ होगा बराबर एन माइनस वन एन 18 × 5 = 90, 18 × 180 यहाँ प्लस इधर जाएगा तो एन बराबर क्या होगा 180 181, यानी टोटल 181 संख्या है 100 से 1000 के बीच जो 5 से विभाजित होगा। जब n बराबर 181 निकल गया तो समेशन निकाल दीजिए, टोटल समेशन कितना हो जाएगा n प्लस 2, लास्ट संख्या मालूम है ये, तो डायरेक्ट करते हैं a प्लस l, n कितना है 181/2 गुने a है 100 प्लस 1000 होगा यहाँ 1100 यानी 181/2 गुने 1100, कैलकुलेशन कीजिए 2 से 55 55 × 110 जीरो यानी 181 × 550, इसका आंसर आएगा 99550 99550 है कोई ऑप्शन में 98450 99540 96480 92210 कोई नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में कोई नहीं है, इसका मतलब क्या कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। 99550 चेक कर लेते हैं, ए बराबर 100 1000 डी 500, 100 और 1000 के बीच हम लोग क्या किए 100 और 1000 को भी इंक्लूड किए, तो हम लोग को कितना आ रहा है 99550 यानी यही ऑप्शन यही आंसर सही होगा, ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। देखिए इसमें हम लोग को तो ऑप्शन 99550 आ रहा है, कब 99550 आया, जब हम लोग 100 और 1000 दोनों को इंक्लूड किए हैं, क्यों, क्योंकि ये भी 5 से विभाजित है, और मान लीजिए कि अगर हम लोग 100 और 1000 को इंक्लूड नहीं करें यानी 100 के बाद वाला कौन सी संख्या आएगा 105 आएगा, ठीक है, और 1000 से पीछे वाला संख्या कौन सी आएगा 995 आएगा। अगर हम लोग एक 105 लें और लास्ट वाला संख्या 995 लें तो शायद इससे ये बता रहा है। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग तो खुद से कुछ कर नहीं सकते हैं, जो हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ और क्योंकि यहाँ कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है कि उसको उसको इंक्लूड करना है या नहीं करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को जो ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन के अनुसार ही तो चलना होगा ना, अब ऐसा थोड़ी ना हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ हम लोग क्या किए थे 100 और 1000 को इंक्लूड किए तब हम लोग को आ रहा था इतना, और अगर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे यानी 100 और 1000 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 100 के आगे वाला 105 और 1000 के पीछे वाला 995 लें तो हम लोग को कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, इसको आप लोग इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा कि ऑप्शन ए सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, आई होप आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि सब पूछा हुआ क्वेश्चन है तो फिक्स है कि वो
सब अपना डिसाइड करके ही बनाया जाता है क्वेश्चन, कुछ भी होता है तो कोई भी एग्जाम के लिए। ये हो गया। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला बोल रहा है, यहाँ है 8 है, यहाँ है क्यूब, बटा क्या है, यहाँ है √16 भागा कितना है, √100 बटा 49 गुने 125, और यहाँ क्या है 3 है। तो देखिए ये 3 मतलब क्या, क्यूब रूट है। क्यूब रूट मतलब क्या कि 8, 8 के 3 है, मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 3 पर 1 निकलता है, तो 8 को 2 गुने 2 गुने 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 बटा यहाँ √16 है क्या होगा 4, यहाँ भागा होगा, यहाँ अंडर रूट है मतलब 10, 100 बटा 7 × 49 गुने यहाँ 5 × 5 = 25, 25 × 25 = 25, यानी कितना होगा यहाँ 5। अब देखिए बीच में भागा, इसको गुना में चेंज करने के लिए ये जो संख्या है इसको क्या करना होता है, हम लोग को उलटना पड़ता है, तो 2/4 × क्या होगा यहाँ 7/10 गुने अपना 5, इधर होगा 5 से 5 × 10, 2 से 2, 2 × 1 = 2, कैंसल आउट होगा, क्या बचा 7/4, 7/4 आया। इसका मतलब देखिए ये तो फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको चेंज करते हैं पूर्णांक में, 4 × 1 = 4 और 3 × 7, मतलब 1/3, 1/3/4, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी, इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब आगे आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि x − y = 1, x² + y² = 41, तो x + y का वैल्यू क्या होगा वो पूछ रहा है। तो देखिए क्या है, x − y = 1 है, x² + y² = 41, और क्या दिया वो बोल रहा है, x + y का वैल्यू हम लोग से पूछ रहा है, तो ये कैसे होगा वो देखिए। इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ देखिए x − y है, तो x − y को पहले x − y का स्क्वायर करते हैं और यहाँ से 1 का स्क्वायर करते हैं। तो देखिए इससे स्क्वायर करेंगे तो एक चीज फायदा होगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ x² y² दिया हुआ है, तो हम लोग को जो x * y का वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो क्या होगा, x² + y² − 2xy = 1। देखिए x² + y² = 41 तो दिया हुआ है, जब उतना दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 41 और ये 1 को इधर ले आएंगे, −1 = यहाँ होगा 2xy, तो यहाँ 40/2 इधर आ जाएगा बराबर xy, तो यहाँ से 2 20, xy = क्या मिला हम लोग को 20 मिला। अब इसको इसमें यूज करते हैं, क्या x + y को अगर हम लोग स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, x² + 2xy + y², x² + y² = 41 दिया हुआ है, प्लस क्या है 2 × xy, xy = क्या निकाले 20, 20 × 2 क्या होगा 40, यहाँ होगा x + y² बराबर, यहाँ से होगा x + y √41 + 40, यानी 1 × 4 = 8, यानी 81, x + y = 81, 81 = क्या 9 × 9 = 81, ± 9 आंसर आएगा, यानी x + y = ±9, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, लास्ट क्वेश्चन सोच रहे हैं कि आप ही लोग बना के बताइएगा क्या है, x = 2+√2 है, x = 2+√2 है, तो हम लोग को वैल्यू क्या निकालना है, x² + 4/x², इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो आई होप इसको आप बना सकते हैं, क्योंकि एक होमवर्क भी देना जरूरी है। वीडियो देखिएगा और फिर ऐसे ही वीडियो के बाद छोड़ दीजिएगा तो फिर अच्छा ठीक अच्छी बात नहीं है, इसलिए वीडियो देखिए पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन रहता है उसको आप लोग सोल्यूशन करके देखिए, सोल्यूशन होता है या नहीं होता। तो बस आज का क्वेश्चन इतना ही तक रहेगा, आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, शेयर कीजिए तभी सब लोग जुड़ पाएंगे। ठीक, थैंक यू।